अगली खबर है खंडवा से, जहां नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश देते हुए कांग्रेस ने सद्भावना यात्रा निकाली। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरे होने पर कांग्रेसियों ने शहर में पद यात्रा निकाली। वहीं जिले भर से काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी की यह यात्रा सरकारी थी। हमारी यात्रा में कांग्रेसी लोगों को जोड़ने का संदेश देने के लिए यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। जो यात्रा कल जो थी वो सरकारी यात्रा थी, सरकारी और शासकीय खर्चे से की गई थी। उसमें केवल उनके शासकीय तांडव का एक प्रदर्शन था। आज जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा के जो हमने सालगिरह मनाने की आज चेष्टा की है खंडवा शहर में, उसमें सब लोग मिलजुल करके आए हैं और देश को जोड़ने और सब लोगों का आपस में मिल बैठ के बात बैठने की बात करना चाहते हैं। ये लोग ये संदेश देना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठा हुए थे कि जो हमारे राहुल गांधी का जो संदेश था कि भारत को जोड़ो, मोहब्बत की दुकान आगे लेके जाओ, नफरत से लोगों को हटाओ, नफरत से दूर करो, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो इस देश के बाशिंदे सब एक साथ चलें, एक साथ काम करें, एक साथ देश को आगे बढ़ाएं। हमको ये देखने से उम्मीद बन रही है अब कि निश्चित तौर से 2023 में हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, आज आदरणीय राहुल जी ने जो भारत जोड़ों की बात की थी, विरोधी पार्टियां जो हैं भारत को तोड़ने में लगी हैं, एक लाइन खींचने में लगी हैं, जातिगत आधार पर वो देश को बांटने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा जो हुई उसके बाद से एक सौहार्द का वातावरण देश में बना है और हमको उम्मीद है कि 2023 और 24 में हम निश्चित तौर से प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस के साथ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।